बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, इसके रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, आप लोगों को कल क्लियर हो गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या होती है। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइक वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से ही स्फेरिकल शेप के होते हैं, या जो हम सोप एंड वाटर को मिला के बुलबुले बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से बनते हैं। इसके अलावा बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो पानी के ऊपर चल सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं, पानी पर तैर सकती हैं। लाइक अगर कोई लीव हो या फिर पत्ता आप पानी की सतह पर छोड़ें तो वो तैरने लगता है। इसी तरह बचपन में हम कश्तियाँ बना के कागज़ की, वो पानी के ऊपर फ्लो करवाया करते थे, वो फ्लोट करती थी, ऊपर तैरती रहती थी पानी की, वो सब सरफेस टेंशन की वजह से पॉसिबल होता है। इसी तरह जो है हम आई ड्रॉप्स में से अगर आई ड्रॉप डालते हैं तो वो जो ड्रॉप फॉर्म के अंदर लिक्विड निकलता है वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर कोई नीडल आप पानी की सरफेस के ऊपर जो है बग़ैर हिलाए पानी को उसके ऊपर आप छोड़ देते हैं तो वो तैरने लगती है, वो नीडल, वो सुई तैरने लगती है। ये सरफेस टेंशन की वजह से ही पॉसिबल होता है। और बहुत से मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी सरफेस टेंशन की। इसी तरह हमारी आम लाइफ की एग्जांपल हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कितना डिफ़ाइन कर सकते हैं, या तो हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज़ अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू सिंक टू श्रिंक इनटू अ मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। सरफेस टेंशन क्या है, ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी खासियत है किसी भी लिक्विड सरफेस की टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। इस तरह की अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, जो कि सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें नीचे की तरफ खींचती हैं, नीचे की तरफ उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया उनका डिक्रीज़ हो जाता है, मिनिमम सरफेस एरिया जो है ना पॉसिबल हो जाता है। सरफेस टेंशन अलाउज इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्ट्रेडर्स एंड यूजली डेंसर्स देन वाटर टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन अ वाटर सरफेस। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, सरफेस टेंशन ही जो होती है जो इंसेक्ट्स या हशरात जो हैं वो पानी के ऊपर चल सकते हैं या तैर सकते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। बाज़ इंसेक्ट्स जो होते हैं पानी के ऊपर वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, कि सरफेस टेंशन की वजह से पानी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसमें एक इलास्टिसिटी आ जाती है, वो इलास्टिसिटी की वजह से वो इजीली मूव कर जाते हैं उस पे और पानी के सरफेस के ऊपर, और वो डूबते नहीं हैं। देर आर टू प्राइमरी मैकेनिज़म इन प्ले। यहाँ पे दो जो हैं प्राइमरी मैकेनिज़म होते हैं अमूमन। वन इज़ द इनवर्ड फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल काजिंग द लिक्विड टू कंट्रैक्ट। एक ही होती है कि अंदर की तरफ फोर्स लगाता है पानी का मॉलिक्यूल जो हैं, ऊपर की सतह पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इनवर्ड फोर्स मतलब नीचे की तरफ फोर्स होती है सरफेस मॉलिक्यूल्स पर जो कि लिक्विड को कंट्रैक्ट करवा देती है, जिसकी वजह से लिक्विड के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे टॉप पर जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, वो नीचे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, मीन्स नीचे की तरफ श्रिंक होते हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। देखिए जो दरमियान में जो बल्क अमाउंट में जो दरमियान में जो है मॉलिक्यूल्स वो हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो उन क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्शन हो रही होगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे से वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे सरफेस की बात नहीं कर रही मैं, अभी दरमियान वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, वाटर के जो दरमियान में होंगे बल्क अमाउंट के अंदर जो वाटर उधर मौजूद होंगे वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसकी वजह से उनकी नेट जो अमाउंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी फोर्स की। जबकि जो सरफेस पर मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर दाएं बाएं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दाएं बाएं के मॉलिक्यूल्स उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या फिर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके क्योंकि वो खुद टॉप के ऊपर होते हैं उनसे ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता, वो सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, उस सरफेस के ऊपर क्योंकि कोई और मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए ऊपर की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं होती उनको, जिसकी वजह से उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं हो पाती। और क्या करते हैं वो एक इलास्टिसिटी जिसकी वजह से क्रिएट हो जाती है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। साथ के साथ मैंने आपको सरफेस टेंशन बताया था, सरफेस का मतलब है सतही
कोई भी सतह होती है, कोई भी सरफेस, और टेंशन का मतलब होता है तनाव, हम इसे उर्दू में कहेंगे सतही तनाव। तो यहाँ पर भी देखें जो सरफेस में मॉलिक्यूल है वो या तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसे अट्रैक्ट करें, या फिर दाएं बाएं वाले मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर उसके कोई और मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, इसलिए ऊपर की तरफ से अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रिजल्टेंट जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं हो पाती, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। सेकेंड वहाँ पर उन्होंने कहा सेकेंड फ्रोमिना क्या हो सकता है, सेकेंड इज अ ट्रेंजेंटली फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दाएं बाएं के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, या भी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल। द नेट इफेक्ट इज द लिक्विड बिहेव एज इफ़ द सरफेस वाज कवर्ड विद अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऊपर वाली सरफेस है पानी की वो इलास्टिसिटी थोड़ी शो करती है, इलास्टिसिटी जब उसमें आ जाती है वो स्ट्रेच्ड कर सकती है थोड़ा सा, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है तो वो उस पर फ्लोट करने लगती है बजाय डूबने के, क्योंकि वो उसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। जिस तरह मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर कोई इस तरह के हम प्लास्टिक के या फिर किसी ऐसी सरफेस पर जो दोनों तरफ से या दो तीन तरफ से जिनसे रस्से से बांध दिया गया उसके ऊपर अगर जंप लगाते हैं तो वो हमें वापस ऊपर की तरफ धकेलती है, हम उसमें नीचे की तरफ नहीं जाते हैं बल्कि वो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगा रही होती है, वो भी इलास्टिसिटी की वजह से होती है। इसी तरह पानी में भी एक इलास्टिसिटी जो है क्रिएट हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से, जो कि चीज़ों को फ्लोट करने देती हैं, चीज़ों को उसके ऊपर तैरने देती है पानी की सतह के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉप्स दिखाए गए हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर यहाँ पे जो दरमियान वाला ड्रॉप है ये देखिए, ये दरमियान वाला ड्रॉप में एफ आर यानी कि फोर्स जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से देखें एरो का निशान दिखा देना है, हर तरफ से जो है हर तरफ से मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई है। जबकि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल मौजूद है, ये वाला सरफेस पर जो मॉलिक्यूल मौजूद है इस पर या तो नीचे की तरफ फोर्स अमल कर रही है या फिर दाएं बाएं अमल कर रही है, जबकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, यहाँ पे इसके कोई भी फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। यही जो है यही चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल पे हर तरफ से फोर्स अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि ये बल्क अमाउंट में ये दरमियान में मौजूद है, जबकि सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स पे सिर्फ और सिर्फ या तो दाएं बाएं पे से इस डायरेक्शन पे अमल करेगी फोर्स, या फिर नीचे की तरफ अमल करेगी फोर्स, नेट अट्रैक्शन नीचे की तरफ होगी, जबकि इसके ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं अट्रैक्ट करेगी क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो ये डेफिनेशन थी सर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये था लास्ट लेक्चर से कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए थे, मेथड्स टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन। ठीक है, हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ लिया है कि जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक समझ लें एक इलास्टिसिटी एक सरफेस टेंशन क्रिएट होती है किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, लेकिन वो मेथड क्या हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दे आर थ्री मेन मेथड्स यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन। तीन ऐसे मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सरफेस टेंशन को उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। वैसे तीन से ज़्यादा मेथड भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर तीन मेन मेथड्स के नाम जो हैं आप लोगों को बताए गए हैं जो अमूमन यूज़ हो रहे होते हैं। कैपिलरी राइज मेथड फर्स्ट वन है, कैपिलरी राइज मेथड। सेकंड है ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। थर्ड है मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। ये मेथड हैं जो कि हम सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सरफेस टेंशन को। कैपिलरी एक्शन सबसे पहले हमने जो पढ़ा है कैपिलरी राइज मेथड है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? अच्छा, कैपिलरी राइज मेथड के बारे में आपकी बुकलेट में मेंशन नहीं है डिटेल, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जो है बता देती हूँ कि क्योंकि नाम आया है कैपिलरी राइज मेथड तो आप पूछेंगे कि कैपिलरी राइज मेथड क्यों होता है, क्या होता है, तो इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ कि कैपिलरी राइज मेथड क्या है। सबसे पहला जो मेथड का जिसका नाम मेंशन है
मेथड्स टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन के लिए पहले टॉपिक में कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये आप जानिए कैपिलरी एक्शन। जैसे कि हमने ब्लड वाले चैप्टर में कैपिलरीज पढ़ा था, जो कि हमने कहा था कि ना बहुत फाइन बहुत बारीक किस्म की खून की नालियाँ होती हैं। मतलब कैपिलरी वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई भी जो है बारीक सी कोई भी स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है या फिर वेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बारीक फाइन वो होता है और उसको हम कैपिलरी कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिलरी अमूमन किस लिए इस्तेमाल हुआ है वो मैं देखती हूँ। वो तो हमने ब्लड के हिसाब से पढ़ा था, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन शो कर रहा है। कैपिलरी एक्शन इज़ अ स्पोटेनियस राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब। नैरो ट्यूब का वर्ड आ गया, आप समझ में आया। नैरो मतलब बारीक सा कोई भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हो, फाइन कैपिलरीज का जाल था वहाँ पे, तो इसलिए हम कैपिलरीज कह रहे थे। फाइन जो थी खून की नालियों का हम कैपिलरीज कह रहे थे, बिल्कुल नैरो जो थी बारीक बारीक। यहाँ पे नैरो ट्यूब इस्तेमाल हो रही है, इसलिए यहाँ पे कैपिलरी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कैपिलरी एक्शन इज़ अ स्पोटेनियस राइजिंग ऑफ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब। अमूमन क्या होता है, नैरो ट्यूब के अंदर बहुत बारीक सी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम जो हैं लिक्विड को लिक्विड उसके अंदर डालते हैं, देन हम मालूम कर रहे होते हैं सरफेस टेंशन। टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। जब हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर और किसी भी लिक्विड को डालेंगे तो दो जो हैं अमून फोर्सेस उस पर अमल कर रही होती हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस द इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होता है उसे कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इसके अंदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होंगी वो होंगी कोहेसिव फोर्सेस। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मौजूद होंगी वो होंगी कोहेसिव फोर्सेस। या हम कह सकते हैं कि अगर एक जैसा मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। जबकि एडहेसिव फोर्सेस में क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड देयर कंटेनर। जिस कंटेनर में वो मौजूद है लिक्विड, उस कंटेनर की वॉल्स यानी कि उस कंटेनर और पानी के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं टू डिससिमिलर सब्सटेंस या सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है वो एडहेसिव फोर्सेस होती है। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस क्या है, तो कोहेसिव फोर्सेस इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के दरमियान में अगर अट्रैक्शन होगी तो वो कोहेसिव फोर्सेस होगी। एडहेसिव फोर्सेस में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेसेस आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। ये दो फोर्सेस हैं जो कैपिलरी एक्शन पे अमल कर रही होती हैं। इफ़ द कंटेनर इज़ मेड ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज़ पोलर बॉन्ड्स देन द पोलर लिक्विड विल बी अट्रैक्ट टू द कंटेनर। अगर कंटेनर आप जिसमें आपने वो लिक्विड भरा हुआ है, वो बर्तन या वो ग्लास या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपने लिक्विड भरी हुई है उसकी सरफेस भी पोलर बॉन्ड रख रही है और जो है आपका जो लिक्विड है वो भी पोलर नेचर का है, देन वो कंटेनर की जो वॉल्स है ये कंटेनर को अट्रैक्ट करेगा, कंटेनर की दीवारों को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ वाई वाटर फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस वेल मर्करी फॉर्म्स कन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस एंड कन्वेक्स, ये मैं आपको आगे इसकी डिटेल बताती हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट क्यों दिया गया है, यहाँ पे पहले आप तस्वीर देखिए। जब हम कोई भी चीज़ कैपिलरी एक्शन में या कोई भी कहीं पे भी किसी भी बर्तन में या ट्यूब के अंदर लिक्विड भरते हैं तो हमें इस तरह की शेप नज़र आती है सरफेस पे। अगर हम गौर करते हैं ये देखिए, यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पे ये कर्व बनती है यूं करके। ठीक है, जबकि अगर हम मरकरी का देखें तो इस तरह की कर्व मरकरी में नहीं नज़र आ रही गौर से देखें तो, बल्कि इस तरह की कर्व नज़र आ रही है, ये शेप बन रही है। ठीक है, तो इसी का डिफरेंस हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। पोलर लिक्विड्स
टिपिकली एक्सिबिट कैपिलरी एक्शन. अमूमन जो पोलर लिक्विड्स हैं वो कैपिलरी एक्शन शो करते हैं. अ कनकेव मेनिस्कस शो डेट द लिक्विड एडहेसिव फोर्सेस टूवर्ड्स इट्स कंटेनर आर स्ट्रॉन्गर देन इट्स कोहेसिव फोर्सेस. जैसे हमने पीछे दिखाया पीछे पढ़ा था कि अगर पोलर सरफेस का हामिल कंटेनर है तो देन वाटर भी पोलर नेचर का है तो वो क्या करेगा, वो कनकेव मेनिस्कस जो है प्रॉपर्टी शो करेगा. यहाँ पे आप देखिए फिर से दिखाया गया है, ये देखिए ये अंदर की तरफ कर्व है. यहाँ पे जब आप देखेंगे इधर तो ये अंदर की तरफ कर्व है कनकेव. जब ये कनकेव आप शेप इसको कनकेव शेप कहेंगे क्योंकि ये इस तरह करके बन रहा है, अंदर की तरफ कर्व बना हुआ है, इसको कहेंगे कनकेव मेनिस्कस. वो ये वाटर का है. ये क्यों बना है, क्योंकि यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो हैं जिस भी ट्यूब या कंटेनर में भरा हुआ है अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, क्योंकि दोनों की नेचर एक जैसी है. और क्योंकि वाटर सरफेस जिस बर्तन में भरा हुआ है उसकी सरफेस से टू डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, सरफेस के मॉलिक्यूल्स एंड वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये एडहेसिव फोर्सेस हो गए. तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, वाटर के दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान उनके नस्बत. जबकि कन्वेक्स मेनिस्कस क्या होगा, सेकेंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ये कन्वेक्स आ कन्वेक्स मेनिस्कस शोज डेट द लिक्विड कोहेसिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग. कन्वेक्स मेनिस्कस उस वक्त बनता है जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है फोर्सेज होती हैं, जबकि कनकेव उस वक्त बनता है जब एडहेसिव फोर्सेज होती है, मीन्स दो टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं. कन्वेक्स देखिए सेकेंड पॉइंट में, द कन्वेक्स मेनिस्कस शो डेट द लिक्विड्स कोहेसिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्सेज. यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स जब बनेगा तो इसका मतलब है कोहेसिव फोर्सेज जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर कर्व नहीं बन रहा, बल्कि देखिए कर्व नहीं बन रहा, इस तरह का एक अपेरेंस आएगी ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ कर्व नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, जिसका मतलब है यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यह हम कह सकते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक मरकरी जो है, जबकि दूसरी तरफ कंटेनर है वो आपस में जो है ज़्यादा सिमिलर नहीं रखते प्रॉपर्टी, इस वजह से वो उनके आपस के दरमियान के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है. यही देखिए वाटर में, यहाँ पे वाटर में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देखिए ये इस तरह का कर्व आ रहा है वाटर का, जबकि मरकरी का कर्व ये आ रहा है. आप ये देखेंगे मरकरी का कर्व यहाँ पे ये इस तरह शो हो रहा है, मीन्स ऐसे, और वाटर का कर्व ऐसे आ रहा है. ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, ये कौन सी फोर्सेस जब ज़्यादा होती हैं तो किस तरह का जो है सरफेस के ऊपर फिनोमिना शो होता है, ये भी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने पॉइंट्स ऐड किए थे. देन कैपिलरी राइज मेथड, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है डिटरमाइन करने कैपिलरी राइज मेथड, कैपिलरी के बारे में आपको पता चल गया कि जब वाटर जो है कैपिलरी के अंदर फिलअप किया जाता है तो किस तरह की दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, उनकी वजह से क्या जो है फिनोमिना देखने में आता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर. तो कैपिलरी राइज मेथड क्या है, अब आपको कैपिलरी राइज मेथड समझने में आसानी हो जाएगी. इसका प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है इसका, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के ऊपर प्लेस्ड किया जाता है, इट राइज अप द ट्यूब ऑन सर्टन डिस्टेंस By the measuring this rise, it is possible to determine surface tension of the liquid. जैसे ही आप जो हो कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के ऊपर प्लेस्ड करोगे, लिक्विड के ऊपर रखोगे, तो ये क्या करेगा, ये जो है लिक्विड का अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ सक हो जाएगा इसके अंदर, और वो उस पर मार्क हुए होते हैं, देखना ये कि कितने मार्क के ऊपर वो सक करता है उसको. By the measuring this rise, it is possible to determine surface tension of the liquid. ठीक है, कितना वो जो है लिक्विड जो है उसमें सक हुआ है, कितनी मार्किंग तक वो गया है, इससे हम सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इंटरफेशियल टेंशन यूजिंग द कैपिलरी राइज मेथड, लेकिन इसकी एक वीकनेस है, वो वीकनेस ये है कि हम इससे इंटरफेशियल टेंशन जो है वो प्रॉपरली जो है नहीं मालूम कर सकते, इसलिए अमूमन ये यूज़ नहीं होता, इसे ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता.
इसमें भी देखें, यहाँ पे भी वही बात पहले वाली ये मेंशन हुई है कि दो फोर्सेज अमल करी हैं, कोहेसिव फोर्सेज, द फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज मौजूद होती हैं इन अ सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो वो कोहेसिव फोर्सेज होंगे। एडहेसिव फोर्सेज इज द फोर्सेज एग्जिस्टिंग बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स सच एज डेट बिटवीन लिक्विड्स एंड अ वॉल ऑफ द ग्लास और कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब और वाटर के दरमियान में जो या कोई भी जो लिक्विड उसमें भरा है उसके दरमियान में जो फोर्सेज होंगी वो एडहेसिव फोर्स होंगी, जबकि जो लिक्विड है उनके आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेज होंगी वो कोहेसिव फोर्सेज होंगी। व्हेन द फोर्सेज ऑफ एडहेशन इज़ ग्रेटर, अगर एडहेशन वाली फोर्सेज मीन्स कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स, कैपिलरी ट्यूब की दीवारें और जो भी लिक्विड उसमें भरा हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज अगर स्ट्रॉन्ग हुई, जिसको हम एडहेशन कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं, अगर वो ज़्यादा हैं बनिस्बत कोहेसिव फोर्सेस के, देन क्या होगा, द लिक्विड इज़ सेड टू बी वेट द कैपिलरी वॉल, उसे क्या होगा कि वो कैपिलरी वॉल को वेट कर देगा, कैपिलरी वॉल से साथ में समझिए चिपक जाएगा और उसे जो है उसमें गीलापन महसूस होगा, स्प्राइड ओवर इट, और उसके ऊपर फैल जाएगा उसकी वॉल्स के ऊपर, एंड राइजिंग इन अ द ट्यूब, और जो वो ट्यूब के ऊपर ईजिली राइज कर सकता है। अगर इसके अल्टरनेट कोई प्रोसीजर हुआ तो वो ज़्यादा दूर तक जो है ना राइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आपस के मॉलिक्यूल्स के दौरान इतनी अट्रैक्शन होगी वो उसे कैपिलरी ट्यूब के ऊपर चढ़ने ही नहीं देंगी, बहुत डिस्टेंस तक, काफ़ी डिस्टेंस तक जाने ही नहीं देंगी। इससे हम इस कंपैरिजन की वजह से, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस की कंपैरिजन की वजह से जो है ना कि कौन से वाली फोर्सेज ज़्यादा हैं, हम कैपिलरी राइज मेथड से मालूम कर सकते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन इसकी एक वीकनेस ये यहाँ बताई गई कि इंटरफेशियल टेंशंस जो हैं उनके बारे में क्लियरली हमें मेंशन नहीं होता। यहाँ पे देखें कैपिलरी ट्यूब्स दिखाई भी गई हैं, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब दिखाई भी गई है, ये देखें ये कैपिलरी ट्यूब जो है ना यहाँ जार के अंदर लिक्विड मौजूद है वहाँ से उसे सर्व किया जा रहा है, ये वाली जो है ये कैपिलरी ट्यूब है और जो कि ये है लिक्विड को सर्व कर रही है। देन एक मेथड जो थर्ड पे मेंशन है अमूमन, क्योंकि ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो सेकंड पे है, इसलिए मैं पहले थर्ड वाले की बात कर लेती हूँ। मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड, मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड भी कभी नाम आया है आपके बुकलेट के अंदर लेकिन डिटेल मौजूद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूँगी ये क्या होता है। इसके अंदर मैक्सिमम बबल प्रेशर में द मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स अ बबल थ्रू अ ट्यूब इज़ रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। द मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड में क्या है, इज़ अ टेक्निक टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विद सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट एक वेटिंग एजेंट होता है, या हम कह सकते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है उसे सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो सर्फेक्टेंट के साथ जो है एक की मौजूदगी के अंदर लिक्विड्स के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे हम सरफेस टेंशन मालूम कर लेते हैं। ये मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड का नाम दिया गया है इसे, जिसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स अ बबल थ्रू अ ट्यूब, यानी कि एक मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है टू फोर्स अ बबल थ्रू अ ट्यूब एंड रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिससे हम सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं। गैस स्टीम यहाँ पर दिखाई गई है एरोस की मदद से, फिर इस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा जिसकी वजह से हम इसे मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड कहते हैं। लेकिन ये भी कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसीलिए आपकी बुक के अंदर इसको डिटेल मौजूद नहीं है। आपकी बुक के अंदर डिटेल्ड मौजूद है ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ड्रॉप मेथड्स जो होते हैं इस्तेमाल होता है इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं स्टेलगमोमीटर। ड्रॉप मेथड या ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड, आपकी बुक में ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड लिखा हुआ है, या हम इसे जर्नली ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। इसको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, ड्रॉप वेट मेथड है और ड्रॉप काउंट मेथड है। या तो हम ड्रॉप्स की काउंट करके मालूम कर लेते हैं सरफेस टेंशन, या ड्रॉप वेट मेथड या ड्रॉप वॉल्यूम मेथड के थ्रू जो है हम मालूम कर लेते हैं सरफेस टेंशन। इस्तेमाल क्या होता है इसमें, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है स्टेगलोमीटर, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये दिखाया भी गया है इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है सरफेस टेंशन ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में मेजर करने के लिए सरफेस टेंशन को। यहाँ पे दिखाया गया है जो लैब में मौजूद होते हैं,
ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में दो मेथड यूज हुए हैं, ड्रॉप वेट मेथड एंड ड्रॉप नंबर मेथड। आपकी बुक में जैसे बताया गया है, एक ड्रॉप नंबर मेथड है एंड ड्रॉप वेट मेथड है। द ड्रॉप काउंट मेथड्स स्टेल्गोमीटर मेथड भी हम इसे कहते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द मेजरिंग ऑफ द सरफेस टेंशन। मोस्ट कॉमनली यही यूज़ हो रहा होता है। द प्रिंसिपल इज टू मेजर द वेट ऑफ ड्रॉप्स विच आर काउंटेड ऑफ द फ्लूइड फिल फ्रॉम अ कैपिलरी एंड देयर बाय द कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। अमूमन क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, देन जो है उस लिक्विड को वेट ऑफ द ड्रॉप्स किया जाता है, लेकिन पहले उसको काउंट किया जाता है ड्रॉप्स को एंड फिर उसके बाद एक फॉर्मूले के तहत इसकी सरफेस टेंशन निकाली जाती है। वी कैन डिटरमाइन द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप बाय काउंटिंग देम। या फिर हम जो है हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, काउंटिंग करते हैं उन ड्रॉप्स की जो कि उसमें फिलअप होती हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड निकलता है और उसकी काउंटिंग करते हैं, देन हम उसको जान सकते हैं कितनी सरफेस टेंशन। एक फार्मूला होता है, उसे अप्लाई उस पर उन वैल्यूज़ को डाला जाता है, देन मालूम कर लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि आपके बुक के अंदर भी इसकी तस्वीर दी गई है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ बल्ब इन द मिडल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे मिडल में एक बल्ब दिखाया गया है। ठीक है, बल्ब दिखाया गया है। दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू टू ट्यूब्स एट द टॉप एंड अ बॉटम। ये देखिए, मिडल में एक बल्ब दिखाया गया है, ये है बल्ब, जो कि ऊपर वाली ट्यूब और नीचे वाली ट्यूब, इन दोनों ट्यूब्स का जिक्र है यहाँ पे। दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू टू ट्यूब्स एट द टॉप एंड अ बॉटम। इन दिस ट्यूब्स टू मार्किंग आर गिवन। इन ट्यूब्स के दरमियान दो मार्किंग आपको नज़र आ रहे होंगे, दो जो है नाम दिए गए हैं, ये देखिए ए एंड बी। ठीक है, इन ट्यूब्स को ए एंड बी का नाम दिया गया है। द ट्यूब एट द टॉप इज़ मार्क विद ए एंड अ ट्यूब एट अ बॉटम इज़ मार्क विद बी। जो ऊपर वाली ट्यूब है उसे ए मार्क दिया गया है, ए का निशान दिया गया है, जबकि नीचे वाली ट्यूब को बी का निशान दिया गया है। इसमें भी कैपिलरी एक्शन ही अप्लाई होता है। दर हकीकत एक कैपिलरी ट्यूब अब दिखाई गई है। सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द सर्कमफेरेंस। सरफेस टेंशन जब अप्लाई होती है तो कैपिलरी ट्यूब की वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है एंड वेट ऑफ द ड्रॉप्स जो है नीचे, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड वन मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो अपनी बुक से भी इससे हेल्प ले सकते हैं, बुक में भी बहुत इजी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल डाली है, आप चाहो तो बुक से कंसाइज करके लिख सकते हैं या फिर इधर से लिख लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, इंस्ट्रूमेंट ये, इनिशियली वाटर इज़ एडेड टू द ट्यूब फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से, जब हमने बताया था ऊपर वाली ट्यूब को पॉइंट ए कहा गया है, वहाँ से वाटर ऐड किया जाता है ट्यूब के अंदर टू पॉइंट बी, देन वो बी की तरफ जाएगा। देन द वाटर इज़ अलाउड टू फॉल इन अ बीकर ड्रॉप बाय ड्रॉप। और फिर पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप एक बीकर के अंदर जमा हो जाता है। जैसे तस्वीर में दिखाया गया, यहाँ ये बीकर है, ये रहा, ये इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो पानी ड्रॉप के थ्रू, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर के अंदर आएगा। And the number of drops is recorded. यहाँ पर number of drops आप record कर लेंगे, ये method वन मैं आपको बता रही हूँ। After this water is replaced with a test liquid. ये आपने जिस liquid को test करना है, water की जगह आप वो liquid डाल लीजिए। ठीक है, आप वो liquid डाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हम इन फॉर्मूलेस के अंदर जब इस तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारी सरफेस टेंशन की निकल आएगी कि कितनी सरफेस टेंशन है लिक्विड की। देन हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो मेथड टू है, ड्रॉप नंबर मेथड्स। ठीक है, ड्रॉप नंबर मेथड्स ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ड्रॉप नंबर मेथड्स। अब मैंने उससे पहले ड्रॉप वेट मेथड के बारे में आपको बताया था, उसका भी सिर्फ नाम आपकी बुक में मेंशन है लेकिन डिटेल आपकी ड्रॉप नंबर मेथड की मौजूद है आपकी बुक में। आप जो हैं
समझने की हद तक यहाँ से कर सकते हैं। देन आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले लिटरेचर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्ड है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ सकें ये सारी चीज़ें। ड्रॉप नंबर मेथड में क्या है, इन दिस मेथड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट लिक्विड फॉलिंग बिटवीन अपर एंड लोअर मार्क ऑफ द स्टेलगोमोमीटर इज काउंटेड। इसमें भी यही है कि हम जो है ना मार्क हमने किया हुआ है अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपर वाली ट्यूब जो है उसे ए से और जो लोअर वाली ट्यूब है उसे बी से मार्क किया है, उसके अंदर जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो उसमें से लिक्विड निकल रहा होगा उसे हम काउंट करेंगे। कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड काउंटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर मार्क ऑफ द स्टेलगोमीटर। उसके बाद जो है हम वॉल्यूम देखेंगे कि ऊपर वाला जो मार्क हमारी जो है ए एंड बी के दरमियान में जो वैल्यू आ रही होगी वो नोट डाउन कर लेंगे। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ दिस लिक्विड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम इज काउंटेड एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड हूज सरफेस टेंशन इज अननोन टू कैलकुलेट द फ्लोइंग स्विच। देन हम जो हैं अपना टेस्ट लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है मालूम कर सकते हैं और उसके अंदर ये फार्मूला है, इसके तहत इस फार्मूले के तहत हम मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले में हम जो है तमाम के तमाम अपनी वैल्यूज़ इंटर करेंगे। अब यहाँ पे N1 एंड N2 ड्रॉप नंबर ऑफ़ लिक्विड्स को जाहिर कर रहा है, P1 एंड P2 डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स को जाहिर कर रही है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स को जाहिर कर रही है, ये जो है Y1 Y2 है, जबकि यहाँ पे गैमा 1 एंड गैमा 2 भी आप लिख सकते हैं, तो सरफेस टेंशन को लिक्विड्स को जाहिर कर रही होती है। ये इसका है फॉर्मूला, इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंटर करेंगे। प्रैक्टिकल भी है आप लोगों का इसी तरह का, तो प्रैक्टिकल की वैल्यूज़ निकलेंगी, हम इस फॉर्मूले में इंटर करेंगे, देन हमें जो है सरफेस टेंशन मालूम हो जाएगी। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मन के जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट हैं सरफेस टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, जैसे ही आपके सरफेस टेंशन इंटरमॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो इंक्रीज होगी तो सरफेस टेंशन खुद ब खुद इंक्रीज होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन क्रिएट ही उन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से रही है, जो उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उसी की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है कम हो जाता है और सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इलास्टिसिटी शो करते हैं, एक टेंशन शो करते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस टेंशन के, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं देन सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं देन सरफेस टेंशन भी कम होगी। दूसरी एक चीज़ है हाइड्रोजन बाउंडिंग। हाइड्रोजन बाउंडिंग मीन्स के जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल है H2O, मैंने आप लोगों को बताया था कि H2O मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बाउंडिंग मौजूद होती है। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज द हाइड्रोजन बाउंडिंग, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इनमें से एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बाउंडिंग ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी किसी भी लिक्विड की। देन टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सरफेस टेंशन कम होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो हैं तेज़ी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जो हैं मूव करने की वजह से एक दूसरे से थोड़े उनमें डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनमें जो फोर्सेस होंगी वो वीक पड़ जाएंगी और वो वीक पड़ने की वजह से उनमें जो सरफेस टेंशन होगी वो भी कम हो जाएगी। सो सरफेस टेंशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज, हम ये कह सकते हैं तो सरफेस टेंशन अगर टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अगर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। कोहेसिव फोर्सेस क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेज है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, अगर ये ज़्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर द सरफेस टेंशन। इसी तरह एडहेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस लेसर द सरफेस टेंशन, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस में
जिस कंटेनर में या जिस ट्यूब के अंदर जिस भी चीज़ के अंदर वो लिक्विड होगा उसकी दीवारों से उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान में, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एडहेसिव फोर्सेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्सेस लेसर द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है कम पड़ जाएगी अगर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो। ये देखिए यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में दिखाई गई है, अट्रैक्शंस दिखाई गई हैं, सरफेस टेंशन क्रिएट हो रही है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है। ये इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेज, अगर इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेज ज़्यादा होंगी देन सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे एडहेशन फोर्सेज, जब एडहेशन फोर्सेज ज़्यादा होंगी देन जो है ज़्यादा होने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी देन सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी उस सूरत में। अगर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बाउंडिंग दिखाई गई है, अगर हाइड्रोजन बाउंडिंग ज़्यादा है देन सरफेस टेंशन भी आपकी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बाउंडिंग के ज़्यादा होने की वजह से। एग्जांपल्स अब देखते हैं कुछ, ये तो हमारे फैक्टर्स के का कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स में हमने बहुत से एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उन एग्जांपल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इधर मैंने बहुत सी एग्जांपल जो हैं बताई थी जो कॉमन लाइफ में हम अप्लाई कर रहे होते हैं जिसके अंदर या सरफेस टेंशन अपना किरदार अदा कर रही होती है। ड्यू ड्रॉप्स मीन्स अगर जो ड्यू ड्रॉप्स जो शबनम के ड्रॉप्स होते हैं या हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन इन वाटर गिव्स स्फेरिकल शेप टू द वाटर ड्रॉप्स, कोई किसी के अंदर के वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप जो होती है ड्रॉप की जो शेप है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही बनती है। वरना ड्रॉप जो है स्क्वायर शेप की भी हो सकते हैं, चकोर भी हो, अगर सरफेस टेंशन नहीं हो तो किसी भी शेप का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो राउंड शेप स्फेरिकल शेप ड्रॉप की बन रही है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही बनती है, स्पेसिफिक सरफेस टेंशन उसका रीज़न होती है। सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था अमल्जन में कि ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं होते बल्कि लेयर बना लेते हैं, ऑयल ऊपर वाली लेयर बना लेते हैं, वाटर नीचे वाली भी लेयर बना लेते हैं। ये सेपरेशन किस वजह से, इट इज़ कास्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अमूमन ये जो होता है इट इज़ कास्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ ट्यूब जो है फेस। अमूमन होता क्या है कि सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर के अंदर सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होने की वजह से ये दो लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, टॉप के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है और बॉटम के ऊपर पानी चला जाता है। ये सी भी सरफेस टेंशन की वजह से, प्लांट्स में भी सरफेस टेंशन का फिनोमेना देखने में आता है। सरफेस टेंशन आल्सो अलाउ प्लांट्स, ठीक है, आल्सो अलाउ प्लांट्स टू मूव वाटर फ्रॉम रूट टू देयर लीव्स। पानी जो है जड़ों के ज़रिए बाकी के हिस्सों तक, पौधे के बाकी के हिस्सों तक भी सरफेस टेंशन की वजह से ही पहुंचता है, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव होता है और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पानी ज़मीन से पौधे के अंदर चला जाता है। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ये देखिए यहाँ पर जो ड्रॉप्स बन रहे हैं ये सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप के हैं, पौधे के अंदर ये पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये एरो दिखाए गए हैं रेड कलर के जहाँ पे पानी जा रहा है, ये कैपिलरी एक्शन क्रिएट हो रहा है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से है। देन वाटर वाटर एंड ऑयल की जो लेयर्स बनती हैं ये भी सरफेस टेंशन की वजह से बनती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मरकरी की, ठीक है, थर्मामीटर डज नॉट स्ट्रक द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। थर्मामीटर जो है आपने देखा होगा कि मरकरी जो है थर्मामीटर की वॉल से स्टक नहीं हो रहा होता, क्यों नहीं हो रहा होता, वाटर इज़ मोर एडहेसिव, वाटर में जो है मोर एडहेसिव होते हैं, स्टिक्स द साइड ऑफ द ग्लास, वाटर जो है मोर एडहेसिव होने की वजह से स्टिक कर जाता है साइड ऑफ ग्लास से, चिपक जाता है जिस भी ग्लास के अंदर उसे भर के रखा जाता है, ठीक है, जबकि मरकरी जो है उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती है, उसके इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से इस स्टिक्स टू इट सेल्फ मोर, वो अपने आप से अपने आप की जो उसके जो अपने खुद के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं से ज़्यादा वो स्टिक किए रहता है, उन्हीं से ज़्यादा चिपके रहता है बाद इस पर जिस चीज़ में वो डाला जाता है। इसीलिए थर्मामीटर की जो वॉल्स होती हैं, थर्मामीटर की जो कवरिंग हो रही होती है, ये थर्मामीटर के जो ग्लास
की जो दीवारें बनी हुई होती हैं उनसे मरकरी नहीं चिपकता, बल्कि वो उसी में मूव करता रहता है, चिपकता नहीं है लेकिन उनकी दीवारों से। जबकि पानी जो है जिस बर्तन में हम भर रहे होते हैं उसकी वॉल्स से, उस जार की दीवारों से ज़्यादा चिपकता है क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, जबकि मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से वो जिस भी चीज़ में आप रखेंगे उसे वो उसे नहीं चिपकेगा, बल्कि अपने मॉलिक्यूल से ही एक अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से वो अपने आप के मॉलिक्यूल से ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ रहेगा। मरकरी थर्मामीटर डज नॉट स्टिक द वॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये फिनोमेना होता है कि मरकरी थर्मामीटर की वॉल्स से नहीं चिपकता बल्कि उसके अंदर इजीली मूव कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। डिस्क्राइब द क्लिनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट भी देखें, यहाँ पे भी ये सरफेस टेंशन का किरदार है कि अगर सोप हम डालते हैं डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर तो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। पानी की सरफेस टेंशन जब कम होगी उसकी वजह से क्या होगा, पानी इजीली पिनीट्रेट हो जाएगा क्लॉथ्स में, जो कपड़े हम धो रहे हैं उसमें, और जो उसमें दाग हैं या जो भी उसके अंदर डर्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर वो ईजिली मूव कर जाएगा सरफेस टेंशन कम होने की वजह से, और वॉशिंग का एक्शन जो है वो तेज़ हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताई थी वॉकिंग ऑन वाटर के, इंसेक्ट जो है पानी के ऊपर किस तरह फ्लोट करते हैं, किस तरह तैरते हैं, किस तरह चलते हैं, देन जो है फ्लोटिंग अ नीडल पानी के ऊपर सुई आप तैर जो है अगर आप डालो तो वो तैरना शुरू कर देती है, ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना। देन सोप एंड डिटर्जेंट की मैंने आपको बताई कि जो क्लीनिंग एक्शन है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर सरफेस टेंशन को कम कर दिया जाए, कोई सोप एंड डिटर्जेंट डाला जाए तो सर्फेक्टेंट के तौर पर काम करता है, वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सोप और डिटर्जेंट, साबुन हम और सर्फ इस्तेमाल कर होते हैं वो यही काम करते हैं कि पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। जब पानी की सरफेस टेंशन कम होती है तो वो ईजिली जो है ना दाग धब्बे साफ करने में मदद दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लिनिकल टेस्ट ऑफ फॉर जॉइंटस में भी इस्तेमाल होता है। मैंने कहा था आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल यूरिन की जो सरफेस टेंशन होती है वो 66 डाइंस पर सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर उसमें बाइल मौजूद हो, अब नॉर्मल यूरिन शो कर रहा होता है अगर बाइल मौजूद हो उसके अंदर, जिन जॉइंटस के पेशेंट्स में ये शो हो रहा होता है तो उसकी सरफेस टेंशन 55 आ रही होती है। इस तरह सरफेस टेंशन की जो वेरिएशन होती है उसको देखते हुए हम बता देते हैं कि पेशेंट को जॉइंटस है कि नहीं है। इस टेस्ट को हेयर टेस्ट का नाम दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यूरिन की सरफेस के ऊपर जो होता है सल्फर पाउडर डाला जाता है। अगर पाउडर नीचे बैठ गया, जिस ट्यूब के अंदर वो डाला गया उसके पैंदे के अंदर नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाता है, देन इसका मतलब है कि बाइल मौजूद है टेस्ट के अंदर, ये जॉइंटस पॉजिटिव आया। अगर वो ऊपर ही तैरता रहा, ऊपर ही फ्लोट करता रहा पाउडर, सल्फर पाउडर, देन हम कह सकते हैं कि नॉर्मल यूरिन है, उसकी सरफेस टेंशन नॉर्मल है। फिर वॉशिंग विद क्लॉथ वाटर, मैंने आपको कल बताया था वॉशिंग विद क्लॉथ वाटर में भी यही है कि हम गर्म पानी, जब कोई चीज़ साफ़ नहीं हो रही थी उसके ऊपर गर्म पानी इसीलिए डालते हैं क्योंकि गर्म पानी भी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जैसे मैंने बताया टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, यहाँ पे भी यही फिनोमेना अप्लाई होता है। जब गर्म पानी से कपड़े हम धो रहे होते हैं तो पानी की सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाती है गर्म होने की वजह से, पानी के जब डिक्रीज़ हो जाती है सरफेस टेंशन तो वो पानी ईज़िली जो है जो कपड़े या जिस भी सरफेस को हम साफ़ कर रहे होते हैं, जो भी वहाँ पे दाग धब्बे होते हैं या कोई भी डर्ट या कोई इस तरह का चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है वो ईज़िली उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें जज्ब हो जाता है और जाके वॉशिंग एक्शन करने लग जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिसइंफेक्टेंट जो है सॉल्यूशन लो द सरफेस टेंशन, ये डिसइंफेक्टेंट भी जो है सरफेस टेंशन को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस अलाउज देम टू बी स्प्रेड ऑन अ सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रीप देम, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करेंगे तो सरफेस टेंशन को कम कर देंगे, जो बैक्टीरियाज के जो सेल वॉल्स हैं उनके ऊपर एक्शन शो करेंगे, ये सरफेस टेंशन जब कम होगी और उनको ख़त्म करने उनके खात्मे का या उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का बायस बन जाएंगे। यहाँ पे भी कैन यू थिंक ऑफ एन अदर, इसके अलावा आपके जहन में कोई जो है सरफेस टेंशन की एग्जांपल हो आप वो भी लिख सकते हो, जो आपके माइंड में हो कि सरफेस टेंशन की वजह से ये फिनोमेना हो रहा है या इसके कम करने की वजह से ये फिनोमेना हो सकता है, देन वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने कल बताया था कि जब हम इस तरह की किसी सरफेस पे जंपिंग कर रहे होते हैं तो एक इलास्टिसिटी क्रिएट होगी एक वजह से होती है, तो ये सरफेस की ये भी सरफेस टेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड की सरफेस टेंशन नहीं है, यहाँ पे सॉलिड सरफेस की सरफेस टेंशन है। हम लिक्विड्स की बात करें, जबकि अगर हम आम जिंदगी में तो आई ड्रॉप्स के अंदर सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है उस ड्रॉपर से निकल रहे होते हैं,
जो मुख्तलिफ किस्म की लीव्स पे या बारिश के बाद जो कतरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं वो स्फेरिकली शेप के होके वहाँ पे उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं लीव के ऊपर, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। या इंसेक्ट्स जो कि पानी के ऊपर चलते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। कोई भी पिन या नीडल पानी पर तैर सकती है सरफेस टेंशन की वजह से। इसी तरह हमने टेस्ट के बारे में बताया, यूरिन टेस्ट किया जाता है जॉइंटस का, उस पर पाउडर जो फ्लोट करता है उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है सरफेस टेंशन। अगर उसकी नॉर्मल है देन वो फ्लोट करेगा पानी के यूरिन के ऊपर, अदरवाइज़ वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा एंड देन वो पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ के अंदर जिसमें सरफेस टेंशन अप्लाई होता है। कैपिलरी रिएक्शन अप्लाई होता है, लाइक जब हम बबल्स बना रहे थे सरफेस टेंशन, जब तक उसमें बरकरार रहती है वो जो बुलबुला है वो फिज़ा में जो उड़ा होता है, थोड़ी देर के बाद बुलबुला ख़त्म हो जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह और बहुत सी एग्जाम्पल हैं, तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। आपकी बुक के अंदर भी एप्लीकेशन मौजूद है, सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन राइट डाउन करनी है आपने जो है सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस, किस तरह बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लिपिड्स एंड यूटेनियम लिखा हुआ है आपकी बुक में, एमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, सर्फेक्टेंट एजेंट्स के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें अपने एप्लीकेशन अपनी बुक में से चाहें तो आप हेल्प लें या कहीं से भी हेल्प लें, आप ये आपकी असाइनमेंट है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एप्लीकेशंस लिखनी है अपने सरफेस टेंशन की। तो ये आज हमारा लेक्चर टॉपिक था और यहाँ पर सरफेस टेंशन के बारे में आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ सरफ जो हमने मेथड्स पढ़े हैं सरफेस टेंशन की, कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड, मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक मेथड्स में से ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड है, जिसके अंदर आपकी बुक के अंदर मौजूद भी है ड्रॉप नंबर मेथड, ठीक है। वहाँ से आप देख के रीड कीजिए, अपने लेक्चर नोटबुक पे लिखिए, यहाँ से देख के लिखिए जो आपको इजी लगता है, वहाँ पे फैक्टर्स के बारे में लिखिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेम्परेचर, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन पे इफेक्ट करती हैं। हमारी डेली लाइफ में हम एग्जांपल्स देख सकते हैं सरफेस टेंशन की, लाइक ड्रॉप्स जो होते हैं लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं, या मरकरी शो कर रहा होता है सरफेस टेंशन की वजह से, अपना जो वो थर्मामीटर के वॉल्स पे स्ट्रक नहीं होता वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। पानी और वाटर की जो लेयर बनती हैं आप अलग-अलग सेपरेट सेपरेट लेयर बनती हैं, टू फेज में डिवाइड हो जाता है पानी और तेल अगर उन्हें आपस में मिक्सअप किया जाए, तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। पौधों के अंदर सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ सक किया जाता है, कैपिलरी एक्शन उधर क्रिएट होता है जिसकी वजह से जड़ें जो है पानी पौधे के ऊपर तने तक ले जाती हैं और जिन भी पोर्शन में ज़रूरत होती है वहाँ तक ले जाती हैं। देन डिफरेंट किस्म टेस्ट में जैसे यूरिन टेस्ट जॉइंटस का होता है उधर अप्लाई हो सरफेस टेंशन की वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये हमने आज स्टडी किया है, तो आप इसे अच्छे से एडिट कीजिए लेक्चर नोटबुक के ऊपर, राइट डाउन कीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन भी राइट डाउन कीजिएगा, या आपकी असाइनमेंट है अपनी बुकलेट से हेल्प ले लीजिएगा अगर आपको समझना है। इसके अलावा कल के लेक्चर में एप्लीकेशंस मौजूद थी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने दरमियान में लेक्चर्स के उसको बता दी थी, या आज के लेक्चर में मैंने दरमियान में एप्लीकेशंस काफ़ी बताई हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें राइट डाउन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।